अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ CS 411 बिग डाटा कंसेप्ट, जिसका है असाइनमेंट नंबर 1। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये असाइनमेंट किस तरह करना है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको CS 519 या CS 619 में, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, अगर इसमें किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, फिलहाल चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ कि आपने यहाँ पे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट समझाता हूँ, ठीक है, जो आपने एक्चुअली करना है। तो यहाँ पे है रैंडमली जनरेट ए यूनिक स्टूडेंट आईडी। आपने क्या करना है, रैंडमली यूनिक स्टूडेंट आईडी जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल BC 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, और नेक्स्ट असाइन रैंडम मार्क्स, और आपने क्या करना है, रैंडम मार्क्स असाइन करने हैं। और इसके अलावा है कैलकुलेट टोटल मार्क्स एवरेज स्कोर एंड असाइन ए ग्रेड बेस्ड ऑन द एवरेज। तो इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे जितने भी मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपने क्या करना है, ग्रेड भी असाइन करना है, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से। और नेक्स्ट आपने एक फंक्शन बनाना है, फ्रेंड डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसमें क्या होगा, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। ओके, और ये कह रहे हैं फॉर ईच स्टूडेंट डेट इंक्लूड दियर स्टूडेंट आईडी, और हर रिकॉर्ड के साथ क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो कि रैंडमली जनरेटेड आईडी होगी। और इसके अलावा टोटल मार्क्स एवरेज स्कोर एंड फाइनल ग्रेड, ठीक है, ये चीज़ें आपने प्रिंट करनी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्टूडेंट डाटा जनरेशन में क्या होगा, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, तो यहाँ पे उन्होंने दोबारा डिटेल से बोला है, ठीक है, कि क्या क्या और कैसे करना है। और एक आपने क्या करना है, जो आपका ग्रेड कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज ग्रेटर देन या इक्वल है 85 तो ए होगा। इसके अलावा बी का क्या कंडीशन होगा, अगर 70 लेस देन या इक्वल टू, अगर एवरेज आपका है लेस देन 85 तो इस केस में क्या होगा, बी। नेक्स्ट सी में क्या होगा, 50 लेस देन आर इक्वल टू और एवरेज लेस देन 70। ओके, तो उस केस में क्या होगा, सी, आपका सी ग्रेड बनेगा। इसके अलावा लेस देन अगर 50 होगा तो आपका ये डी कंसिडर होगा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका फ्रेंड मेथड, तो उसमें आपके स्टूडेंट को सारी डिटेल्स होंगी जितने भी स्टूडेंट हैं, और उसमें होगी स्टूडेंट की आईडी, टोटल मार्क्स, एवरेज स्कोर एंड फाइनल ग्रेड। अब इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके पास अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर, जो कि यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो Ctrl+C और किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर लो, ठीक है। और कोड कंप्लीट करने के बाद आपने अपना LMS ओपन करना है, और यहाँ पे आपका जो है CS 441 के असाइनमेंट टैब में आपने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करना है, सबमिट करना है। तो चलिए ओपन करते हैं कंपाइलर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 2, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट का डाटा जनरेट होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटर करता हूँ 5, तो मेरे पास रैंडमली 5 स्टूडेंट का डाटा जनरेट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इधर हमारे पास है जनरेट स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी इस फंक्शन में जनरेट होगी। ओके, और नेक्स्ट इधर हमारे पास जनरेट स्टूडेंट डाटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट का डाटा जनरेट होगा। ओके, और नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास कैलकुलेट ग्रेड, तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो कैलकुलेट होगा। ओके, और नेक्स्ट इसमें तक में हमारे पास क्या होगा, प्रिंट रिपोर्ट, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट का रिपोर्ट प्रिंट होगा।
जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट होंगे, और डिफरेंट स्टूडेंट के अंदर हमारे पास क्या होंगे, उनके मार्क्स एवरेज और स्टूडेंट आईडी, टोटल मार्क्स एवरेज वगैरह, ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और नीचे हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। तो इस मेन फंक्शन में हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, रन करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपका ये मेन मेथड कॉल होगा, ओके, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और इसमें आपका जो भी फंक्शन है यहाँ पे आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र को प्रिंट किया, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया एन इज इक्वल टू एंट, ओके, ये हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जितने स्टूडेंट एंटर करेगा उस हिसाब से आपका क्या होगा, उतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका प्रिंट होगा। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अपने इनलाइन जो भी आपका असाइनमेंट टाइप है वहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 17, तो हमारे पास क्या होगा, 17 स्टूडेंट का डाटा जनरेट होगा। आप जितने भी नंबर यहाँ पे एंटर करोगे उस हिसाब से आपका उतना डाटा जनरेट हो जाएगा।